क्या बात ना, जान थोड़ी से मैं पूछ ले, ये तो समय निकाल रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, थोड़ी लड़ने जाएगा कोई पीट जाएगा मुझे, ऐसे जान फिर मैं उठा दिया शोल्डर की कटोरी करके सीधा ले जा, अब छोड़ के दिया। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज हम कर रहे हैं हमारा back workout. और अभी तीन चार दिन से मेरे इंस्टा पे आपने न्यूज़ देख ली होगी, ना तो खाने का मन है, ना नहाने का मन है, ना वर्कआउट का मन है. पर जैसे सारे भाइयों ने समझाया कि भैया, और मैं अंदर से भी भाई जो काम कर रहे हैं वो तो करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन चालू है तो करनी पड़ेगी. तो हमारा अप्रैल मंथ का जो वर्कआउट था वो हमने अप्रैल मंथ में छोड़ दिया. मई का जो वर्कआउट है, शुरू के दो चार दिन लापरवाही में गए, दो तीन दिन मुंबई में निकल गए, 10-11 तारीख आ गई है. आप थोड़े से सीरियस होकर वर्कआउट कर लें. और जिम के अंदर शेरू क्लासिक की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, बहुत सारे भाई हमारे शेरू क्लासिक की तैयारी कर रहे हैं. तो नया महीना नया वर्कआउट, हमारी कटिंग के लिए हमारा बेस्ट स्टैक. लास्ट ईयर भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा, नया है, सारी चीज़ें खोलने वाला हूँ. ये हमारा डॉक्टर चॉइस का ट्रांसफॉर्म, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, और वैसे भी बॉडी में इफेक्टिव है, हमारे लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम आता है. फालतू की क्रेविंग हमारी मारता है और हमारा जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नॉर्मली जब हम एल्कार्निटाइन लेते हैं मार्केट में, 1100-1200 रुपए का हमारा एक तरह का एल्कार्निटाइन आता है. इसके अंदर हमें चार तरह के एल्कार्निटाइन मिल जाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. फ्लेवर इसका ब्लू रेज, और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको कंबाइन कर लो हमारे रिबडेक्स 5 के साथ. ये भी नया है, सारे प्रोडक्ट नए खोल रहा हूँ आज. तो वर्कआउट से पहले थोड़ा सा लेंगे, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हो, और इसको आप अपनी मील्स के साथ भी ले सकते हो, क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा से लगता है जूस पी रहे हैं. तो एल्कार्निटाइन बॉडी में जाने का कोई टाइम है कि पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं ना, फालतू क्रेविंग मारने के लिए और हमारा जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. ये बहुत बढ़िया स्ट्रैक है हमारा, ठीक है, फटाफट मैं इसको ले लूँ. ये हमारा डॉक्टर चॉइस का रिबडेक्स 5, मेरा फेवरेट प्री वर्कआउट. तो लेना कैसे, देखो ये मैं डाल रहा हूँ, इसके अंदर मेरा थोड़ा सा रिबडेक्स 5 देना भाई, वो ट्रांसफॉर्म, वो टाइगर भाई का पूरा खा गए. हाँ सच में खत्म है. और ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, और इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, इसको वर्कआउट से पहले इस तरह भी ले सकते हो आप, थोड़ा सा प्री वर्कआउट, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म एल्कार्निटाइन, या फिर एल्कार्निटाइन को EEE में डाल के शेकर में छोड़ दो, वर्कआउट करते जाओ, पीते जाओ, बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आपकी कटिंग में देखने मिलेगा. और लॉन्ग रन है, 6 महीने तक बहुत आराम से खा सकते हो, कोई PCT की जरूरत नहीं है, किसी तरह का केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एल्कार्निटाइन जरूर बाय कर लेना. रिबडेक्स 5 अगर आपको वर्कआउट से पहले बढ़िया एनर्जी चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट बढ़िया पहुंच चाहिए, तो रिबडेक्स 5 दोनों ऐड कर लेना, फिर देखो मजे. अब चलें थोड़ा सा वर्कआउट करें, लेट्स गो भाई. वेट बढ़ते एक तो बिगनर वाली फीलिंग आने लगती है, चिन-अप्स वगैरह मारने में थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है. अच्छा, बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा हूँ, आज मार के देखता हूँ लग पाते हैं या नहीं. ओए हड्डियां कड़कड़ बोल गई, दिखाइए इसी ग्रिप, दिखाइयो, बहुत चुभ रही है यार. अच्छा, ना हो रहा, वजन ज्यादा हो रहा, हाँ वेट ज्यादा हो गया. कल बैक टू डाउन चलो, अगले महीने चिन-अप से 50 रैप मार के दिखाऊंगा. अभी ना तो मेरा मूड है जिद करने का, ना वो एनर्जी मुझे फील हो रही है. मन अच्छा ना हो तो कुछ अच्छा नहीं होता. तो वार्म अप हम इस पे कर लेते हैं, जो भी मेरे भाई अगर बैक करना चाहें मेक श्योर पहले वार्म अप जरूर करें. और वार्म अप में आप ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी बैक को खोलने के लिए. अगले महीने मार के दिखाऊंगा 50 रैप उसी रोड पर. हाँ बड़ी वाली रोड लगा, बहुत दिन बाद मार रहा, थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे बेसिक की. 1-2 हफ्ते का तेरा गैप हुआ है, 1 हफ्ते का गैप, हाँ तो थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग मारेंगे. गैप भी हो गया, कुछ डाइट भी नहीं ली, ऊपर नीचे हो गया सारा कुछ ना, हाँ तो थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेनिंग और कोई ओवर वेट नहीं. बैंड देना है, हाँ नहीं होगा तब फ्रंट पुल डाउन ही मार, फिर चल अंदर घुस जा पूरा. चल 1-2 और अंदर जा, राजू इधर से अंदर जा. अच्छा बिहाइंड और फ्रंट में डिफरेंस क्या भाई? यार बिहाइंड में ना अपनी ये पार्ट है ना, ये वाला ये ज़्यादा नीचे तक दबते हैं. अब इसको दबाने के लिए ना तुझे पीछे आना पड़ रहा है, ये पीछे आ रहा ना, हाँ. और बैक में देखिए आई ना लेट्स, ये दबी, हाँ. ये दबी ना, ये अंदर घुसी, ये खुली, ये दबा हुआ, ये हुआ ना गड्ढा, ये है ना. और ये तू फ्रंट में कर, देख
उतनी बात नहीं बन रही है, यानी कि जब ये मसल चल रहा है तो इसको पकड़ के चल रहा है ना। है ना, और बिहाइंड में ये मसल इसको पकड़ के नहीं चलता, ये कहानी बस हो तो दोनों ब्लेड के लिए ही है। चल एक शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी हो वो कर लो, ज्यादा सही रहता है। हाँ इंजीनियर हो जाएगी। बड़ा ही प्लेट, एक बड़ा दो बड़ा, एक बड़ा पहले दो बड़ा ले ले। चल बड़ा दो, चल अंदर घुस, चल ठीक है। हाँ चल, वन चल, टू आगे भी जा, थ्री आगे जा, फोर आगे जा, तुझे रॉड के नीचे आना है सर लेके, इस रॉड के नीचे तक। हाँ ये चल, एट चला नीचे, नाइन चल, इलेवन चल, ट्वेल्व नीचे जा, नीचे जा इसके, एक और स्टॉप। नीचे जाना जरूरी है राजवीर, जब तक तू इस रॉड के नीचे ना आएगा ना, क्योंकि इसकी डिग्री ऐसी सेट है। अच्छा। पीछे पीछे से झूलता रह जाएगा, कंधे चलाता रह जाएगा, हाँ तभी तेरी लैट यहाँ से खुलेगी। अदरवाइज क्या होएगा, पीछे से जैसे मैं मार रहा हूँ, सपोज कर ये मार रहा हूँ, ये पीछे गया फिर आगे आ गया, अब देख ध्यान से, ये पीछे गया ये आगे आ गया, तो ये चल रहा है ना, ये गया ये आगे आ गया ये, ठीक है। और जब मैं इसके बाद ये हाथ हो गया ये आया, तो ये हुई मूव, ये हुई ना, तो ये है, तो अंदर घुस का पूरा लिया कर। बता ब्रेक चाहिए तो चल, वेट ठीक है ये, है ना, हेल्प लगेगी। कमान चल, जैसा बताया ना राज, अंदर घुस के ऐसे ही मार, चल चल, वन जा पूरा ये, हाँ टू जा पूरा जा, ये जा जा, फोर जा अंदर, चल फाइव जा अंदर, सिक्स जा अंदर, ये सेवन जा अंदर, एट चल जा, नाइन चल, टू मोर, एक और अंदर जाइए पूरा, स्टॉप। बस तीन सेट हो चुके हैं फ्रंट के, एक और मानना है, वो वेट सेम, फिर मारेंगे क्लोज ग्रीन, ठीक है ना। तो भैया सेम क्लासिक के दो दो चैंपियन तैयार हैं, देखी चाहिए जून में क्या होगा, दूसरे थ्री हो ना हमारे, मैं तो फिजिकल तक करूंगा एक तरफ आऊंगा। चल चल चल, वन वेट तो ज्यादा ना, चल टू शाबाश, थ्री हाँ थोड़ा सा नीचा। और जब ये टेक्निक आजमाएगा ना, देखिए लेट्स कैसे खींचेगी, ये देख खींची, अब खींची ऊपर गया, जब जब सिर के नीचे आएगा तब खींचेगी, ये गया, ये अपने आप ये ब्लेड्स खींचेंगी, देख चल कमान, यस है ना, चल शाबाश, ये कमान, ये हाँ यस, बहुत बढ़िया शाबाश, ये बात शाबाश, चल बहुत बढ़िया आया ना, समझ आया ना, लाइट साली नीचे से कैसे खींच रही है ये पूरी, हाँ अब क्या है, हम पीछे पीछे मार ले, गड़बड़ते हो, सुन लो भाई, तो हम ये मार रहे हैं, हाँ हम पीछे हो जाते हैं, पीछे होगा पीछे रहना है, आगे को जावे ना, पूरा हाथ ऊपर जा ही नहीं रहा पीछे, हाँ। तो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, जा नीचे बताऊँ तुझे, ए आ रहा है क्या, ये मसल, ये लेट जाओ और लेट जा, लेटा ना बंदे नीचे को, ये लेट गए है ना, ये तो दब रहा है रियल डेल्ट है, ब्लेड का तो कोई रोल ही नहीं है, हाँ। ब्लेड का रोल आया ना तो ऊपर जाएगा ये, ये आया लेट्स का रोल, ये आया, ये yes. ये आया है ना, ये डिफरेंस है, छोटी छोटी चीज ही समझ जाए तभी तो भाई, छोटे छोटे मसल करने जरूरी है। कह रहा अल्टम खोल कर थोड़ी खड़ा रहा, बहुत गंदा लड़का हो गया, चल चल चल, बहुत सुंदर है, थोड़ा पीछे हो, अच्छा और गहरे हो गए, और गहरे हो गए ना, देखा दबाओ, जरूरी है भाई, तो भैया इसके भी चार सेट, तो भैया कोशिश तो देखो हमारी चल रही है, राजवीर के भी ऐसे बनवा दे, बस थोड़ा सा बंदा सीरियस हो जाए, कह रहा मैं एक दो रोटी खा ही लूं, भूख लगा मुझे, जो कि नहीं खानी चाहिए, मैंने कहा भाई जान पीना होती है, चलो ये सही है, सच तो बता रहा है विपिन, कितने दिन से छोड़ रखी है रोटी,
अब तू कह रहा है मैं रोटी खा लूंगा, हाथ ना लगा 6 महीने से बाबू, आपकी जिंदगी में चींटी ना गई भाई। मैं कह रहा भाई बिना रोटी खाए जान फिर ना होती भाई, आपकी जिंदगी में चींटी जान ही गई ना, जान थोड़ी से मैं पूछ ले, ये तो समय निकाल रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, काट रहे गुजार। हां बाद में भाई सबने रोटी खाई, थोड़ा टॉक चेंज कर भाई, मैं ना खाई। हां मैं चुप से बात कर रहा हूं जान भाई, कौन से तुमसे बहुत वेट लग रहा है कोई भाई, बहुत ज्यादा। अरे मैं कुश्ती थोड़ी लड़ने जा रहा हूं, कोई पीट जाएगा मुझे। अरे नहीं सुनो ऐसे जान भेजिए फिर शरीर इस टाइम इतना हल्का हो जाएगा ना। हाँ। ये पंजे पे भी कई किलोमीटर चल जाएंगे, पिट रहे हैं कहीं पे, अगला आदमी 40 सेकंड के बाद थक जाएगा। अब देखो और ये 40 सेकंड के बाद भागे हुए आ जा, नॉन स्टॉप लग जा, अब वेट बाहर ही लग रही है, बहुत नेक्स्ट लेवल पावर है, पावर है चिन अप 50 मार दूं चिन अप, और गेरी पे ना लगेगी, टूट जाएगा, कहां लगे इतनी दो भी ना लगे, तू कर 10 किलो नीचे देख फिर चिन अप घूम मारे मैंने, मार शूट 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 शूट। मैं सुन रहा जी, जब इंगे जाएगा ना तो इसे ऐसे लेके जाइए, ठीक है, जब आएगा तो सीधा, ठीक है ये, हाँ ये तो लैट्स खींच जाएगी ये, ठीक है, और ये जैसे कि इस हाथ की तरफ कर रहे हैं हम, हाँ। तो बॉडी ज्यादा इंगे को करता है, अच्छा ठीक है ये होगी। अच्छा। अब क्या है, अब लैट्स को ज्यादा ले पाएगा है ना, ये है ना, ये है ना, ठीक है यस, चल पकड़ तुम्हें पीछे खड़ा होता हूँ, वरना इसलिए हो जाएगा सीधा, टू अंडरआर्म, हाँ ये चल थ्री ले जा, हाँ बॉडी इधर को, हाँ ये आ गया अंडरआर्म, हाँ ये जानदा भी सर, ये जान ड्राम लेके, ये अंडराम अंडराम, हाँ ये चल इस चीज का ध्यान रख, चल ये चल यस चल, हाँ ये चल यस आ गया अंडराम, ध्यान रख, हाँ चल पीछे सीधा, हाँ ये यस, हाँ ये कम ऑन चंदा साइड, ये फेंक क्या, एक ये दो ये तीन यस चार, हाँ ये पांच सुनो जा, चल छह सुनो जा, सात पीछे कैसे भी आगे सुनो जा, आठ चल जा 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 आगे, बहुत चीटिंग मत कर, हाँ नौ चल चल चल, हाँ चल ये, हाँ दस अंडरआर्म, 11 चल अंडरआर्म, 12 शाबाश, 13 सिलो आगे सिलो, हाँ ये खींचता ले जाइए, आया क्या बोलती है जनता, मजा ही आ गया है ना लाइट्स पे, मजा ही आ गया, सीडी ड्राइंग से ज्यादा अच्छी है, अरे बहुत अच्छी सीडी ड्राइंग से, बट डिफरेंस देना पड़ेगा कभी इसे कभी उसे, सीडी ड्राइंग का जैसे हम फोकस करेंगे सीटिंग अगली बार तो उस पर लोअर बैक का करेंगे, ये क्या कर रही है तेरी ब्लेड पे काम कर रही है, यहाँ ठीक है सीटिंग किस पर काम करेगी, इसके बाद इस पार्ट पे है ना, लग रहा ना खुद ही फील ऐसा भैंस लाइट्स मारोगी, आज ज्यादा ट्रेनिंग लाइट्स की मारेंगे, हाँ इसके बाद प्लोवर तो जाएंगे ना, तो प्लोवर कर ले है ना, इसके बाद एल्बो शेट प्लोवर, ठीक है काम है आपको कंधे में भी, हाँ एल्बो शेट प्लोवर, फिर इस पर मारेंगे क्रॉस, ये ठीक है, फिर अपना वन आउट डंबल हाई पर बस, चल का फंडा समझ, जो तेरा ये पार्ट है ना, ये पार्ट इसे नीचे प्रेस कर रहा है, तू सेल्फ ना कर पाएगा, मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, और अपनी लैट्स स्ट्रेच करेगा जितने भी कर सकता है, ठीक है चल मैं, तू शुरू कर मैं कराता हूँ ये, हाँ ठीक है, हाँ तू शुरू कर मैं कराऊंगा, प्रेस तो मैं करूँगा, ठीक है चल, और एल्बो अपनी स्ट्रेट, ओके इसे हल्का से नीचे कर, चल ले जाओ वन, कौन सीधी पीछे उठ गए ना दबाई से नीचे, टू एल्बो स्ट्रेट जानी चाहे, थ्री कौन सीधी नीचे जा, ये जान दे एल्बो, मैं ही उठा दिया कि हाथ ही ना चल रहा पूरा, क्या होगा जैसे जो है ना शोल्डर की कटोरी कड़ाक करके घूमेगी, कड़ाक करके घूमेगी जब इतनी स्टिफ है, क्योंकि पूरी जाए ना वो, तू जाए तो इतना ज्यादा, बस इतना ही घूम, थोड़ी ज्यादा ऐसा लग रहा है, हाँ ज्यादा वो फिर भी घूम ही गई, हाँ पर इंजरी नहीं, मजाक से करके चली गई, दर्द ना हुआ, फिर भी तू बिना वेट के मार यार, चल बिना वेट कैसे, लेट तो मुझे बताता हूँ मैं, ठीक है भाई चल बस इसे नीचे रख, चल सीधा रहेगा, अब छोड़ के दे, पकड़ू कैसे, ऐसे ही पकड़ बस, ठीक है आ गया, वन सीधे रख, चल ले जा, टू सीधी रख, कौन बस एल्बो शेड रख, ठीक है चल बस बस इतना ही, बस
इसे ही चला, बस ये बस हो गया चल चल हो गया चल चल हाँ हो गया शाबाश हाँ जा जा स्ट्रेच कर लेट्स को हाँ ये चल चल दबाए नीचे हाँ चल छोड़ दो जब मन करे जा नीचे स्ट्रेच नहीं हो रही छोड़ दे आ जा तो बिना वेट के से चार सेट मार लें हाँ तो क्या नहीं मतलब एक दो तीन चार चार एक्सरसाइज हो जाएंगे इससे चार सेट मार लो फिर ये लेग्स इसमें ऐसे फंसाएगा ठीक है और बॉडी के शोल्डर ऐसे ठीक है अब ना हाँ ये हाथ ना मारा ए ये लेग्स को स्ट्रेच करता हुआ जब ऊपर जाएगा ना तो ये पार्ट हल्का सा ऊपर पानी टू यहाँ ना खड़े जाऊंगा तो वो उठेगी नहीं ठीक है चला इधर फला मैं इतना बट सोरी इधर हाँ ये हाँ खींच ऊपर एक ये दो यस तीन जान दो ऊपर जान दे जान दे जाने जाना जा ये दस अब आया सही ग्यारह ये हाँ ये बारह ये तेरह चौदह एक और पंद्रह आया ना लेट्स पे अब जब छोड़ेगा ना जब पूरे खड़ा होगा तब फिर आएगा तो पूरा ये थ्री चल हाँ फोर जाओ ऊपर फाइव जाओ ऊपर इधर खींच ये चल खींच सेवन चल खींच एट चल नाइन चल टेन चल इलेवन चल 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 खींच चल चल थ्री मोर फोर्टीन चल फोर्टीन एक और स्टॉप कैसा आया बता है ना मजा आ गया और देख तू ऐसे खड़ा तुझे एक चीज समझाता हूँ मैं जैसे मैन तू भी देख रहा है जब से तूने देखे इसकी ये मोटे ना है ना फुलनेस आ गई ना अलग तरह की है ना ये पूरी लाइट्स में देख तू नॉर्मल खड़ा राजू अब ऐसे घूम अब उधर देख ये देखिए आई ना फुलनेस ही ये सारी की सारी फुलनेस ठीक तो ये लाइट्स है यानी तेरी लाइट्स पंप हुई है हाँ मोटी हुई पंप हुई पीछे से पीछे पलटी ना पड़ रही थी इन से हाँ ये और ये दोनों को दोहराया सो रहे इतने बड़े हो गए वो वीडियो में देखी तू पहले जब शुरू करी तब की और इस वीडियो के बाद की देखी हो बहुत बड़ा लग रहा है हाँ भाई यू कुछ अजीब से ही मोटा होगा यू पार्ट यू तो हाथ भी नीचे नहीं करे ऐसा लग रहा है छोड़ सारा हाँ दो चार दस वर्कआउट में सेट कर रहा है चार सेट चार ही करेंगे चार करेंगे ठीक मार का लेफ्ट से राइट से क्या पहले लेफ्ट से चल मैं भी हमेशा पहले लेफ्ट से मारूं मेरी लेफ्ट राइट में की थोड़ी सी वो है गड़बड़ कैसे इससे देखना 15 रैप कितने आराम से निकले हां राइट से आपने चार रैप निकलवाए हेड कर का मेरे को तो खैर ऐसा नहीं है बट मेरा लेफ्ट वीक है तो इसलिए मैं पहले हमेशा एक सही लेफ्ट से शुरू करूं मेरा लेफ्ट स्ट्रांग है मेरा मैं राइट ही हूं मेरा बॉल भी लेफ्ट का ज्यादा है राइट से और जबकि मतलब लेफ्ट हैंड ही नहीं हूं मैं अच्छा वैसे राइट चलता मेरा भूसा बजाने में ज्यादा पर वैसे लेफ्ट स्ट्रांग है सही है ये नीज है ना उस नीज के अकॉर्डिंग देखो आ गया ना उसको पीछे का पीछे का पीछे का ठीक है अब ये बैंड कर अब इसको बैंड करने से ये करने से क्या होगा तेरे लोअर बैक पे कंट्रोल आ जाएगा ठीक है तो लोअर बैक में इंजरी होने से सेफ हो जाएगा और इसको हल्की सी बाहर ठीक है हमें सिर्फ ये ट्रेंड करना है और भूल जा चल ये उठा चल चल जा वन ये दबा नीचे टू जा नीचे थ्री इधर की तरफ जा फोर आगे नहीं जाना फाइव नीचे ये हाँ सिक्स जा सेवन चल एट जा नीचे नाइन टेन जा इलेवन ये ट्वेल्व चल थर्टीन चल फोर्टीन वन मोर यस फिफ्टीन चंदा साइड अब बैक में भी कंट्रोल आ गया तुझे पकड़ भी अच्छी बनी गई होगी चल हाँ चल ले जा लेट्स वन पास वाला नंबर टू इधर थ्री आगे नहीं फेंकना फाइव जानी छः सिक्स इधर इधर जानी छः टेन जा इलेवन जा जा फिफ्टीन स्टॉप कैसी लगी ट्रेनिंग मजा आ गया है ना अब सिर्फ एक तुझे लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है अपनी लास्ट या तो अपनी गुड मॉर्निंग जैसे तुझे बाद में बताई मैंने क्योंकि अक्सर लोगों के जिमों में ना ये नहीं होती है हाइपर एक्सटेंशन है ना देखो हम बड़े जिम की बात कर रहा हर बंदा बड़ा जिम अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको पता होना चाहिए कि भाई हम लोअर बैक कैसे ट्रेंड करें ना कर पा रहे जिम तक पास आ रहे हैं हमारा जिम कौन सा बड़ा है हाँ तो फिर भी हमारे पास छोटा छोटा जुगाड़ है ना तो अपना लोअर बैक पे अपना लोअर बैक के लिए रॉड और अपना ये अच्छा बस खाली रॉड से ढाई किलो में लगा खत्म कहानी लोअर बैक उससे ट्रेंड करियो बस ताकि लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि भैया हमारे जिम पर नहीं है वो चीज़ें जो भाइयों के जिम पे है और अगर नहीं है तो हम उसके बदले ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं लोअर बैक की चल
हाँ हाँ भी बहुत अच्छे हैं ऐसे गांव वाले भी हैं हमारे कितने ऑब्वियसली लोग हमारे वही हैं हाँ हमारे कौन से भाई और कौन से हमारे कौन से फिटनेस फर्स्ट के बाड़ा थोड़ी देख रहे हैं मैं हाँ, चल उठा उनके पास तो सबके पास ट्रेनर है सर्टिफाइड ट्रेनर है चल उठा लेग्स क्लोज कर थोड़ी सी जितनी तेरी शोल्डर की ब्रीथ है ना राजी ठीक है अब ग्रिप वाइड कर क्योंकि तुझे क्रैम्प पड़ जाएंगे ठीक है जिसकी बॉडी स्टिफ है वो पास ना रखे अपना आराम से दूर रख ले बेशक ठीक है भाई चेस्ट बाहर बट्स पीछे कम ऑन मूव वन जा नीचे टू जा नीचे थ्री अब तू जितना जा सकता उतना ना जा फोर जितना जाएगा उतना आएगा फाइव ऊपर ब्रीथ आउट ये हाँ ये चलाए यस थोड़ी सी लेग्स वाइड कर चल अब चल चल ब्रीथ आउट चल आउट आउट सामने नजर सामने हाँ गर्दन हल्की सी चिन ऊपर ये हाँ ब्रीथ आउट ये शाबाश थाई को रोकना थाई नहीं चलने देनी ठीक है हाँ लेग्स की मूवमेंट नीचे सिर्फ अपर बॉडी और ओनली सिर्फ लोअर बैक ये आया तो भाई वो वेरिएशन होगी ना जो हमारे लोअर बैक की थी अभी उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनके पास यार ऐसी मशीनें नहीं है जो चीज़ें नहीं है ना नए बच्चे कैसे करे कैसे ना करे वो चीज़ें समझ आएगी ठीक है ना तो बैक की एक्सरसाइज अपने यहीं बंद कर देते ठीक है चार इसके मारेंगे हाँ वीडियो हमने जो करेंगे वर्कआउट फ्रंट और फ्रंट क्लोज ग्रिप वन आर्म सिटिंग रोइंग वाइड ग्रिप क्लोज ग्रिप दोनों डिफरेंस क्या था कि जब हम पीछे को करते हैं पीछे ना होकर जब ऊपर जा रहे हैं तो बार के नीचे आ रहे हैं उसके बाद सिटिंग रोइंग पुली ओवर फिर पुल ओवर फिर हमारा ये और उसके बाद हमारा वन आर्म नंबर रोइंग और फिर हमारा हाई सात एक्सरसाइज करिए बहुत मजा आ गया भाई है ना चल मेरे भाई टेक केयर गुड नाइट ध्यान रख तू थोड़े ऐसे बाइसेप्स वर्कआउट करूंगा हां इसके बाद टाइगर भाई जा रहे हैं घर लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा मेरे चक्कर में कितने बज गए 12 बजने वाले हां कोई नहीं सो मच तुमको भी आपको भी मिलते हैं इस मीटर में चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में बाय